हम दोसु जत के बाड़े में उसकी नायाब भैंसों के साथ मौजूद हैं। ये वो महिवाल है जिसकी सोनी उसकी एक एक भैंस है, सोनी जिसकी प्रीत है, ये है वो महिवाल, इसको किया निहाल इसकी अपनी प्रीत ने। ये भी प्रीत की एक दास्तान है कि जिसकी शोहरत सुनकर हम मिट्टी से शादी लार्ज बदीन पहुंचे। यूं लगता है कि मार्च की दोपहर में हम किसी अफसानवी दुनिया में आ गए हैं। ये है दोस्त मोहम्मद जत, बदीन का रांझा, बदीन का महिवाल, जिसने अपनी सारी जिंदगी भैंसों की मोहब्बत और उनकी देखभाल में गुजार दी। आज इसकी आंखों में मोहब्बत का यकीन झलकता है। दोसु जत की ये भैंसें एक नजारा है, ये सिंध की धरती और सकाफत का दर्शन है। ये स्याह और भूरी कुंडी भैंसें अब सिंध में ज्यादा दिखाई नहीं देती। इस बाड़े में इन भैंसों की फरावानी के पीछे दोसु जत का इश्क कार फरमा है। ये इश्क की वुसत का मोजज़ा है। वो जो कहते हैं इश्क में सरमाए और कारोबार की बात नहीं होती, लेकिन आप सुन लें, इनमें से बेशतर भैंसें 1 करोड़ से जायद मालियत की हैं। इस भैंस की कीमत 70 लाख लगी। इस भूरी कुंडी नस्ल की भैंस की कीमत 80 लाख है, लेकिन दोसु जत ने इसे 1.25 करोड़ की भैंस करार दिया है। जी, इस मोहब्बत की तमानियत भी अजब है। इन भैंसों के गले में कोई रस्सी नहीं। दोसु जत कहता है कि अगर इनमें से कोई भैंस किसी के साथ जाती है तो वो ले जाए। रात को जब दोसु जत इस बाड़े में खट बिछाकर बैठता है तो तमाम भैंसों का रुख उसकी तरफ हो जाता है। ये भैंसें मिलकर दोसु जत को देखती हैं। काके दोसु जत का दर्शन हो या उसकी भैंसों की दीद, एक बार शादी लार्ज का सफर तो बनता है। एक बार सिंधड़ी के इस रूप का सलाम तो बनता है। रंग हजारों सिंधड़ी, सिंधड़ी जीवे शाल, तेरी कौन मिसाल, बेशक दुनिया खूबतर।